ओके नंबर 13 क्या दिया है, a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2 शो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 हेंस फाइंड a इनवर्स। अब यहां पे पहले क्या करना है हमें, ये कंडीशन लगानी है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, इसको 0 को लाना है। फिर उसने बोला हेंस फाइंड a इनवर्स, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया इनवर्स कैसे फाइंड करते थे, इनवर्स करते थे हम यहां पे 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, लेकिन जब इसने क्या दिया ना हेंस फाइंड ए इनवर्स, तब हम इस मेथड से नहीं निकालेंगे, तब हमने क्या निकालना इस इक्वेशन की हेल्प से निकालना है। ओके यहाँ जा आगे हेंस फाइंड ए इनवर्स आ जाए यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। ओके इस इक्वेशन की हेल्प से हमें निकालना, तब ये वाला मेथड निकालेंगे, ये वाला मेथड में क्या होता है कोफैक्टर्स निकालने होते हैं, एडजॉइंट निकालना होता है, राइट एडजॉइंट कुछ नहीं निकालना है। कैसे करते हैं अभी देखिएगा, सजा लीजिए सॉल्यूशन में we have a equals to 3 1 minus 1 2, clear। सबसे पहले निकालना हमने a square, a square क्या आएगा a into a, okay यह आएगा 3 1 minus 1 2 into 3 1 minus 1 2, clear। अब यह आएगा multiplication row by column, clear। 3 3 9 और यहाँ पे क्या आएगा 3 1 जा जी सॉरी 3 3 9 और 1 into 1 हमारे पास आएगा -1, क्लियर। फिर क्या आएगा हमारा 3 plus 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -3 -2 और ये आएगा -1 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास +4। ओके ये क्या बना हमारे पास, दैट इज 8 5 -5 3, क्लियर। ये क्या मिल गया हमें ए स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, नाउ नाउ टेकिंग LHS, LHS क्या दिया हमें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या निकाला हमने ए स्क्वायर आया 8 5 -5 3 प्लस -5 a, a क्या हमारे पास 3 1 -1 2 और i क्या चीज है, कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यह आएगा 7 into 1 0 0 1, क्लियर। यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए जाएगा 8 5 -5 3, ये बिल्कुल वैसा है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कीजिए 5 की, ये कितना आ जाएगा 15 5 -5 10, राइट प्लस क्या आ जाएगा 7 0 0 7, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, करिए इसको 8 -15 + 7, ठीक है। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 5 -5 + 0 -5 + 5 + 0 और ये क्या आ जाएगा 3 - 10 + 7, इट मींस ये क्या बन जाएगा हमारे पास 0 जाएगा 0 0 0 0, ओके। तो विच इक्वलाइज ये आएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ गया, यही प्रूव करना था हमें, राइट दैट इज एंड प्रूव। ओके अब क्या करना है हमें a इनवर्स फाइंड करना है, उसने बोला हेंस फाइंड a इनवर्स इस इक्वेशन की हेल्प से। नाउ क्या लेंगे हम a स्क्वायर माइनस 5a, जो ये 7 आई है ना इसको इस तरफ ले जाएंगे राइट साइड, ये क्या आएगा -7i, क्लियर। यहां से क्या लेंगे हम a कॉमन निकालने में से क्या बच गया a माइनस 5 इक्वल टू माइनस 7i। अब यहां पे क्या करेंगे हम प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a इनवर्स, ओके a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा a इनवर्स इनटू a और ये क्या आ जाएगा a माइनस 5 ना i लिखेंगे हम a माइनस 5 i इक्वल टू आएगा माइनस 7 a इनवर्स इनटू i, ओके चलो बताओ।
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे आएगा I A माइनस फाइव आई माइनस सेवन इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स इंटू आई क्या आएगा, ए इनवर्स, क्लियर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए माइनस फाइव आई इक्वल टू माइनस सेवन ए इनवर्स, यहाँ पे देर फोर माइनस सेवन ए इनवर्स, और ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए क्या है, थ्री वन माइनस वन टू माइनस फाइव आई क्या दिया हुआ है, वन जीरो जीरो वन, राइट। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस सेवन ए इनवर्स थ्री वन माइनस वन टू, और इस फाइव की मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये क्या आ जाएगा, फाइव जीरो जीरो फाइव, राइट, विच इम्प्लाइज माइनस सेवन ए इनवर्स, दोस्तों क्या आ जाएगा हमारे पास, फिफ्टीन, क्लियर। और ये क्या आएगा, माइनस जीरो, इसकी मल्टीप्लिकेशन के साथ होगी, ये क्या आएगा, जीरो प्लस फाइव, सॉरी इसको क्या करना पड़ेगा हमें, ये सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, जाएगा थ्री माइनस फाइव वन माइनस जीरो, ओके माइनस वन माइनस जीरो टू माइनस फाइव, क्लियर। तो ये क्या आ गया, विच इम्प्लाइज ए इनवर्स इक्वल टू माइनस वन बाई सेवन, क्लियर। तो ये कितना है हमारे पास, माइनस टू वन माइनस वन और माइनस थ्री, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, माइनस किसकी, माइनस किस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये क्या आएगा, टू वन हमारे पास आएगा टू माइनस वन वन थ्री, राइट। ये क्या मिल गया आपको, इनवर्स, ओके इस तरह से हमें इनवर्स फाइंड करना है।